से लोग परेशान हो रहे हों, लेकिन लॉकडाउन के चलते नाबालिगों के साथ होने वाले अपराध और पॉक्सो एक्ट के मामलों में गिरावट आई है। बीते साल 2019 में जहां जनवरी से नवंबर तक 165 पॉक्सो एक्ट के मामले आए थे, तो वहीं इस साल 102 केस ही आए हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे बच्चों का अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना और घर पर अकेले नहीं रहने का ये अलग अलग दो कारण हैं। महिला बाल विकास विभाग तो ऐसे मामलों में 60% की कमी का दावा कर रहा है, तो बाल कल्याण समिति से जुड़े लोग मानते हैं कि बच्चों का ज्यादातर अपने परिवार के साथ रहने से अपराध करने वाले लोगों को मौका नहीं मिला। हमारे यहाँ जैसे जो संप्रेषण गृह वगैरह में जो बच्चे थे 30-35 के लगभग रहा करते थे, वो करीब 14-15 ही लगभग रह गए हैं इसमें। तो उसमें कमी तो आई है, लेकिन अभी जो परिस्थितियाँ थी उसके कारण ज़्यादा है ये। खासकर बच्चों को, चूँकि बच्चों को घर में रहना पड़ा, बच्चों के साथ उनके माता पिता को और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी घर में रहना पड़ा, जिसके कारण से बच्चों की प्रॉपर देखभाल उनके परिवार के द्वारा की गई, जिसके कारण से जब हमने एक आंकड़े देखे कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत वर्ष 2019 में कितने केस दर्ज हुए थे ग्वालियर ज़िले में और कितनों का विशेष न्यायालय में चालान पेश किए गए, उसकी तुलना में जब इस वर्ष लॉकडाउन के पीरियड के बाद मार्च ऑनवर्ड जब हमने देखा, तो उसमें विशेष आंकड़ों में गिरावट देखी गई है।